तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट मैथमेटिकल कैलकुलेशन या कैलकुलेट इन द एक्सेल। अब चलिए इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे नंबर लिखा है, कुछ 20 लिखा है, 30 लिखा, तो एक तो है कि मैं इसको सम से सम कर सकता हूं, कि सम लगा के इसको सम करते हैं, या दूसरा हम इसको कर सकते हैं कि दैट प्लस प्लस सिंबल से। तो जो हमने सम लगाया हुआ है, दिस इज द इनबिल्ट फंक्शन। सम नाम का एक फॉर्मूला है जो कि एक्सेल के अंदर इनबिल्ट है। लेकिन जो हमने यहां प्लस का सिंबल किया है, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर होते कितने कलर का है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड पावर, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है। तो कैलकुलेशन करने के लिए एक्सेल में इनबिल्ट फंक्शन तो बहुत सारे हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हमें कुछ कैलकुलेशन ऐसी आती है जिसके लिए एक्सेल में फॉर्मूला अवेलेबल ही नहीं है, एक्सेल में उसके लिए फॉर्मूला अवेलेबल ही नहीं, तो उस केस में क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास क्वार्टर वन है एंड क्वार्टर टू है। क्वार्टर वन की 25 सेल है एंड क्वार्टर टू की 65 सेल, और यहां पे है ग्रोथ। हमें ग्रोथ निकालना है। अब ग्रोथ का फॉर्मूला एक्सेल में अवेलेबल नहीं है, या है तो मुझे आइडिया नहीं, उस केस में क्या करें? तो मैथमेटिकल, अगर मैं इसी ग्रोथ को अगर मुझे मैथमेटिक्स में नोट पैड में निकालना होगा, तो इसके लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि क्वार्टर टू माइनस क्वार्टर वन डिवाइड बाई क्वार्टर वन, मतलब लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाई ओल्डेस्ट। दिस इज द मैथमेटिकल कंसेप्ट। अब इस मैथमेटिकल कंसेप्ट को हमें इस्तेमाल करना है किसमें, एक्सेल के अंदर। तो हम क्या करेंगे कि 65 माइनस 25 डिवाइड बाय 21, रिजल्ट क्या आएगा? मेरे हिसाब से इनकरेक्ट रिजल्ट जो है वो सही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जी, यहाँ पे बोट बोलो। मास मेथड का यूज नहीं किया गया, ठीक है? अब बोट मास मेथड क्या होता कॉमा करली ब्रैकेट है? कि कैलकुलेशन का एक प्रोसेस होता है, तो इसको आप इसको ब्रैकेट्स में डाल दीजिए। उसके बाद पहले माइनस होना है, देन डिवाइड होना है, तो आपका 1.6 आया। परसेंटेज लगा लीजिए तो ये 160% का ग्रोथ है। इसी तरीके से कुछ और कैलकुलेशन की बात करें, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास प्रिंसिपल है मेरे पास 55,000 या 50,000, जो भी लिख दीजिए। रेट हमारा है मान लीजिए कि 7% ईयरली, एंड टाइम जो है वो है हमारा 5 ईयर, प्रिंटों की संख्या दिखा रहा है। एंड हम ये कर सकते हैं कि एन मतलब कि लोन की कैलकुलेशन क्या है, मंथली है, ईयरली है, क्वार्टरली है। तो मेरा कि नहीं, 12 मतलब कि मंथली है, साल में काम। अच्छा चल भाई, अब मुझे इसके अमाउंट निकालना है, तो इसके लिए ऑलरेडी एफ बी पी वी जैसे फॉर्मूले तो हैं, ठीक है? लेकिन हो सकता है कि उसकी कैलकुलेशन मुझे ट्रस्ट नहीं है, या तो कैसे करें? तो मैथमेटिक्स कहता है कि अमाउंट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर डिवाइड बाई एन।
power of t multiplied by n. ठीक है, अब इसमें दो चीजें आती है। पहला कि इतनी लंबी कैलकुलेशन करेंगे कैसे, और दूसरा इजली कैसे। हेलो हेलो सर, एक पूछना है, ये पीओट के बाद ये कौन सा टॉपिक चलोगे? एक कैलकुलेशन पिवट में हमें कैलकुलेशन करनी है ना, तो पहले हम कैलकुलेशन को पढ़ रहे हैं, ओके ओके मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ओके, पीओट कैलकुलेशन तो हुआ था ना, उसके बाद हमें स्लाइसर तक तो आप आ गए थे, लास्ट टाइम स्लाइसर पढ़ाया था। एक कैलकुलेशन पढ़ लीजिए, ये टॉपिक छूट गई थी मुझे, पिवट से पहले करानी थी टॉपिक, तो एक मैं करा देता हूँ। ओके ओके हाँ हाँ ठीक है। ठीक है ना, तो मेल नहीं मिला था आपको, काफी लेट हो गए आप। हाँ, वो मैं मोबाइल से ज्वाइन करने का सोच रहा था। अब यहां पे कैलकुलेशन कैसे होगा, तो क्या होता है सर कि अगर मैं इतनी बड़ी और इतनी लंबी कैलकुलेशन करने जाऊं, इतनी बड़ी और इतनी लंबी कैलकुलेशन करने जाऊं, तो कहीं पे ब्रैकेट कॉमा छूट सकता है, ठीक है ना? Yes. तो कैसे करें? इस पे हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके कैलकुलेशन करेंगे, कि कैलकुलेशन को हम ब्रेक करेंगे और उसके बाद हम कुछ ठीक है। तो कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए जैसे कि यहां करेंगे 1 + r/n, तो r/n करेंगे मतलब कि 12, और फिर यहां पे करेंगे 1 + r/n, बीच का कैलकुलेशन तो हो गया, ठीक है। उसके बाद करेंगे टी मल्टीप्लाई बाई 12, और फिर दोनों का पावर निकाल देते, पावर निकल जाता है, ठीक है, पावर निकल गया। यस और उसके बाद फिर इसको कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 55,000 पी, रिजल्ट आपके सामने। आपको यहां पे दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि इतनी लंबी कैलकुलेशन हो गई, मैं इसको रिजल्ट इन द वन सेल में करता हूं, मुझे इसकी रिजल्ट जो है एक सेल में। ठीक है, तो हम करेंगे यहां पे फॉर्मूला मर्जिंग मेथड, हम फॉर्मूले को मर्ज करेंगे। तो हम क्या करें, इसकी फॉर्मूले को कॉपी करते हैं, और यहां E15 दिख रहा है ना, इसको डिलीट करके E15 के जगह पे E15 का फॉर्मूला को पेस्ट कर देते हैं, फिर वापस हम इसको कॉपी करते हैं। यहां पे क्या है, B13 है, तो B13 को डिलीट करेंगे और B13 के जगह पे B13 का फॉर्मूले को पेस्ट कर देंगे, और गड़बड़ हो गई,
B13, हमें B13 से फॉर्मूला कॉपी करना पड़ेगा ना, B13 नहीं, ये इसे यहाँ पे करना है, F3, B13 तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, ब्रैकेट में इसको हम पेस्ट करें एंड इसको वापस हम कॉपी करेंगे, G13 इसके जगह पे इसका फॉर्मूला हम पेस्ट करें, ठीक है। वापस इसको कॉपी करते हैं और यहां पे जहां H15 है इसके जगह पे इसका फॉर्मूला हम पेस्ट कर देते हैं। फाइनली हमारा सबसे लिंक कट गया, तो फाइनली इसको कट करके जहां रखना है हमारे, कट करके हमारे। तो मैं इसको इकट्ठा लगा सकता था, दिक्कत हो सकती थी, लेकिन कहीं फिर भी हमने आपको बताया कि फॉर्मूला मर्जिंग क्या है। तो आप सोच रहे होंगे यार इसको तो ऐसे भी लगा सकता हूं, अब यहां पे एक और मेथड है जैसे कि कॉस्ट। मान लो किसी कंपनी के किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट करता है 50 रुपीज, अब मुझे इसकी MRP निकालनी है। MRP कहता है कि 5% मैन्युफैक्चरर अपना रखेगा, 10% डिस्ट्रीब्यूटर, 15% होलसेलर एंड 20% द रिटेलर। मतलब कि 50 का 50% और फिर इसमें हम इसको सम कर देंगे 50, सॉरी सर। तो हमने 52, अब ये क्या हो जाएगा 52 का मल्टीप्लाई बाय 10% और फिर इसमें हम प्लस कर देंगे 10%, अगेन 57 बाय मल्टीप्लाई बाय 15% और इसमें हम प्लस कर देंगे इसको एंड अगेन इसको सिलेक्ट किया हमने मल्टीप्लाई बाय 20% और फिर इसमें हम इसको प्लस कर देंगे इक्वल दैट प्लस सॉरी रिजल्ट है। अब मुझे इसको एक सेल के अंदर रखना है, तो क्या करना है एक सेल के अंदर रखना है, तो कैसे रखना एक सेल के अंदर इसको कैसे राइट। तो हमें वही फॉर्मूला मर्जिंग मेथड इस्तेमाल करना है, हम जो है फॉर्मूला मर्जिंग मेथड हमारा जो था वही फॉर्मूला मर्जिंग मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा कॉपी पेस्ट में। ठीक है,
तो कैसे करेंगे, चलिए दिखाता हूं आपको। 21 को डिलीट करता हूं, यहां पे 5% करता हूं, 10 को 10 पर यहां पे 10%, 20%। फिर हम इसको कॉपी करेंगे और यहां C22 है ना, C22 को डिलीट करेंगे, C22 के जगह पे C22 का फॉर्मूला को पेस्ट करेंगे। फिर इसको कॉपी करेंगे और यहां जहां C23 है उसको डिलीट करेंगे और C23 के जगह पे C23 का फॉर्मूला को पेस्ट करेंगे और यहां भी C23 को डिलीट करेंगे और C23 के जगह पे C23 का फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे। उसके बाद ये है, हम ऊपर D22 को कॉपी करेंगे और नीचे D22 का फॉर्मूला है उसके जगह पे D22 का फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे। फिर वापस इसको हम कॉपी करते हैं, सिलेक्ट करके कॉपी, यहां D23 को लेंगे, पेस्ट करते हैं और यहां भी D23। फिर इसको कॉपी करेंगे, हमें करना है क्या, उसके रेफरेंस को उसके फॉर्मूले से रिपीट करना है बस। और यहां पे D23 के जगह पे D23 का फॉर्मूला और यहां भी D23 के जगह पे D23 का फॉर्मूला। और इसको भी कॉपी करते हैं और यहां पे F22। तो आपने देखा फॉर्मूला कितना बड़ा हो गया। क्या लगता है अमित जी एंड महेश जी, ये फॉर्मूला आप मैनुअली लिख सकते थे? नहीं लिख सकते ना, क्यों? नहीं, नहीं। कि इसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ दिक्कत हो। तो फॉर्मूला मर्जिंग मेथड क्या होता है कि आप फॉर्मूले को एबलेट कीजिए, ठीक है? तो अभी आपको क्या करना है, अभी आप ये करेंगे कि मुझे आप अभी जो तीन चार कैलकुलेशन मैंने आपको दिखाया, ऐसे तीन चार कैलकुलेशन जो है आप जो है कम से कम 10 मैथमेटिकल कैलकुलेशन को एक्सेल पे करके दिखाइए। ठीक है? यस सर। क्योंकि कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया कि मैंने कि एक्सेल में फॉर्मूले तो अवेलेबल हैं लेकिन हर काम के लिए फॉर्मूले को इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन जो कैलकुलेशन आप करना चाहते हो अगर उसकी मैथमेटिकल कंसेप्ट आपको पता है तो अप्लाई कर सकते हो। दूसरा कि हर चीज के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होना जरूरी नहीं है, हम कई सारे फॉर्मूले को आपस में मर्ज करते हैं और मर्ज करके हम अपने अपने रिजल्ट हमें चाहिए और रिजल्ट को निकालते हैं। तो उस समय आपको ये फॉर्मूला मर्जिंग मेथड क्या करेगा, इजी करेगा कि आप फॉर्मूले को अलग अलग सेल पे लगा लीजिए और रिजल्ट को वेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद उस फॉर्मूले को
एक सेल में कंबाइन कर दीजिए, ठीक है।